दिशा के साथ कुछ लोगों ने मिलकर गलत काम किया, इस बात का खुलासा जो है एक शख्स ने किया है जो इस बात का दावा कर रहा है कि वो उस पार्टी में मौजूद था, वो आई विटनेस था और उसने अपने सामने ये सारी चीज़ें देखी है। उसने कहा अगर म्यूज़िक तेज नहीं होता तो हम सभी को शायद दिशा के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे जाती और हम जो है उसे बचा पाते। चार लोग एक एक करके उसके रूम में आ जा रहे थे, उन चार लोगों के बारे में उसने जो जिक्र किया है मैं आपको बताती हूँ। एक मिनिस्टर का सिक्योरिटी गार्ड था, एक स्टार का बेटा था और दो उसके दोस्त थे। जब उनसे पूछा जाता है कि नाम बताइए तो उसने बोला मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन उसने ये बोला मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो है एक मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड था, एक स्टार का बेटा था और दो जो है उसके दोस्त थे। तो क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड था? आप क्या जानते हैं? क्योंकि आप तो पहली बार गए थे, आपने बोला आप दोस्त के साथ गए थे। जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी में जो बातचीत होती है उसी से पता चला और मैं देखूंगा सिक्योरिटी गार्ड को तो मैं पक्का पहचान जाऊंगा क्योंकि पार्टी में वो साथ में था। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चार लोग एक एक करके दिशा के रूम में आ जा रहे थे, ये चार लोग एक एक करके, हमें पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है क्योंकि म्यूज़िक इतना तेज था। अगर दिशा मैडम अंदर से चिल्लाती भी तो म्यूज़िक बज रहा था, सुनाई नहीं देता। काश म्यूज़िक अगर कम होता तो जो है हम उसके साथ कुछ कर पाते, हम बचा पाते। उन्होंने ये भी कहा कि आप फिल्म स्टार की बात जो बोल रहे हैं, चलिए वो बताइए, अब आपने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में तो बताया। तो उसने बोला मैंने आपको बताया है कि वो पहले ही एक बेटी को मार चुका है और अब ये दूसरी बेटी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उसने नाम नहीं बताया, उसने बोला एक बेटी को वो पहले ही मार चुका है और जो है अब ये दूसरी बेटी थी। अब आप समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह के दावे जो है उस आई विटनेस ने किए हैं कि सिक्योरिटी गार्ड और स्टार के बेटे के बारे में। हालांकि ये आई विटनेस का दावा है, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये सारा का सारा इंटरव्यू जो है उसने ऑडियो वीडियो बनाकर न्यूज़ नेशन को भेजा है। न्यूज़ नेशन ने इसको वेरीफाई किया है, क्रॉस चेक किया है, उसका आधार मंगवाया उस शख्स का और सब कुछ चेक किया और साथ में उस न्यूज़ चैनल ने ये टेप जो है CBI को भी भेजी है क्योंकि वो जो खुद शख्स है वो इस इंटरव्यू को देते हुए कई बार रोया क्योंकि उससे ये आत्मग्लानी हो रही थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। 9 बजे से 1 बजे तक ये सब चलता रहा, उसके बाद 2:30 बजे इन सभी को इनोवा में बिठाकर बैंड्रा भेजा गया। बैंड्रा से इसका ये दावा है कि CCTV फुटेज देख लीजिए, मैं उस दिन बैंड्रा से ट्रेन पकड़कर जो है अपने गांव आया हूँ, लेकिन मुझे चिंता थी क्योंकि मेरा दोस्त उसी दिन से गायब है। अब जो है मैं पुलिस को सब कुछ बताऊँगा और ज़रूरत पड़ी मुझे CBI बुलाती है तो मैं CBI के पास जाकर भी सारे बयान दे दूँगा।